और लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार बस्तर वासियों को विमान सेवा की सौगात मिल ही गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एयरलाइंस की 72 सीटर विमान का स्वागत किया। इस मौके पर बस्तर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम मौजूद रही। एयरपोर्ट में कोविड से बचने के लिए खास तैयारियां की गई थी। पहले दिन बस्तर जिले और नारायणपुर विधानसभा के ग्रामीण अंचलों से कुल 20 ग्रामीणों ने हवाई सेवा का लुत्फ उठाया। वहीं हैदराबाद से 17 यात्री जगदलपुर पहुंचे। धनतेजरी के नाम से ये एयरपोर्ट हुआ है। हमारे राज्य सरकार के प्रमुख, भारत सरकार के प्रमुख को सब उनको बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ये एयरपोर्ट आज हमारे बस्तर वासियों को एक सौगात दी मिली है। और ये निरंतर माध्यम से मैं विनय करता हूँ कि लगातार ये चले और इसका पूरे बस्तरवासी लाभ लें। अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक, व्यापारी बंधु, सभी लोगों को लाभ हो, यही शुभकामना है। जगदलपुर के लोगों को, बस्तर के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो जगदलपुर एयरपोर्ट की अभी जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस हैं। कहीं भी आपको किसी को भी टच करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना महामारी के समय बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रोटोकॉल्स का पालन करें और पूरे एयरपोर्ट में इसका पर्याप्त इंतजाम किया गया है, तो आप लोग निर्भय रूप से इसको पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। और बहुत ही सस्ती जो अभी फ्लाइट्स हैं, 1500 रुपये लगभग किराया है और उस फ्लाइट्स में आप आनंद ले सकते हैं।